बॉलीवुड सेलेब्स अपने फिल्मी करियर के साथ साथ अपने रिटायरमेंट का भी पहले से ही प्लान करके रखते हैं। बॉलीवुड में एंट्री करने वाले सितारों को ये बात पहले ही पता होती है कि जरूरी नहीं उन्हें हमेशा ही दर्शकों का उतना प्यार मिले या वक्त के साथ साथ उन्हें अच्छा काम मिले। ऐसे में कई सेलेब्स में फिल्मों में काम करने के साथ साथ अपना साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया होता है। इन सितारों में मिथुन चक्रवर्ती से लेकर बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा तक के नाम शामिल है। आइए सेलेब्स के साइड बिजनेस पर डालते हैं एक नजर। हमारा वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस लिस्ट में पहला नाम है मिथुन चक्रवर्ती। डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की गिनती देश के अमीर एक्टरों में होती है। मिथुन के पास ऊटी में लग्जरी होटल है। मिथुन मोनार ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक भी हैं। कई शहरों में मिथुन के बड़े बड़े होटल्स हैं। मिथुन अपने बेटों के साथ मिलकर इस बिजनेस को संभालते हैं। खबरों की माने तो ऊटी स्थित उनके होटल मोनार्क में 59 रूम्स, 4 लग्जरी सुइट्स, हेल्थ फिटनेस सेंटर, इंडोर स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिथुन अक्सर ही परिवार के साथ छुट्टियां बिताने ऊटी ही जाते रहते हैं। तो इस लिस्ट में अगला नाम है सुनील शेट्टी। बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। फिटनेस के मामले में आगे रहने वाले सुनील शेट्टी अब कम ही फिल्मों में नजर आते हैं। फिल्मों के अलावा सुनील शेट्टी रेस्टोरेंट और पब के जरिए खूब कमाई भी करते हैं। मुंबई में सुनील शेट्टी का मिस्चीफ रेस्टोरेंट और बार H20 है। इसके साथ ही फिटनेस फ्रीक सुनील शेट्टी की भारत में कई जिम भी है। सुनील पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट नाम का प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम है अर्जुन रामपाल। बॉलीवुड में कई हिट फिल्में और वेब सीरीज दे चुके अर्जुन रामपाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अर्जुन रामपाल का दिल्ली में लैप लाउंज नाम का एक बार है जो काफी मशहूर है। तो वहीं इस लिस्ट में अगला नाम है आशा भोसले। जी हाँ, बॉलीवुड में अपनी गायकी से दुनिया भर में एक अलग पहचान बना चुकी आशा भोसले अपने रेस्टोरेंट के जरिए खूब कमाई करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आशा भोसले के कुवैत, दुबई और बर्मिंघम में रेस्टोरेंट्स हैं, जहां विदेशी भी भारतीय खाने का लुत्फ उठाते हैं। तो वहीं लिस्ट में आखिरी नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पति के सरनेम को हटा दिया था, जिसके बाद दोनों कपल के बीच तलाक की अफवाह उड़ने लगी। हालांकि बाद में ये खबर एक अफवाह ही निकली। प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में एक आलिशान रेस्टोरेंट खोला है। प्रियंका ने अपने इस रेस्टोरेंट का नाम सोना रखा है, जहाँ की खासियत भारतीय खाना है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इस रेस्टोरेंट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही इसे आगे भी शेयर करें।